बनाने वाले हैं मटन कीमे के समोसे। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, बेल आइकन भी दबा दे ताकि मेरे लेटेस्ट वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। मेरा वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो लाइक करें। मटन कीमे के समोसे बनाने के लिए सबसे पहले हम लेंगे 250 ग्राम मटन कीमा। याद रहे कि कीमा मशीन का बारीक होना चाहिए। अब हम समोसे की फिलिंग बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए सबसे पहला बर्तन में तेल गरम कर ले और इसमें कीमा डालकर अच्छा फ्राई कर ले। 1.5 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट, 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1/2 चम्मच गरम मसाला और 1 चम्मच नमक डालकर इसे अच्छा फ्राई कर ले। अब इसे 5 मिनट के लिए धीमी आंच पर पकने दे। 5 मिनट हो गए हैं। अब इसमें 1 प्याज बारीक कटी हुई और 3 हरी मिर्च डालकर अच्छे से मिक्स कर ले। और आधे नींबू का रस डालकर कीमे को अच्छे से फ्राई कर ले। अब गैस बंद कर दे और इसे ठंडा होने दे। जब ये नॉर्मल टेम्परेचर पे आ जाए तो इसमें एक बारीक कटी हुई कोथमीर और पुदीना मिक्स कर ले। समोसा बनाने के लिए अब ये फिलिंग तैयार है। समोसे की पट्टी चिपकाने के लिए एक बाउल में 3 चम्मच मैदे का आटा लेंगे और इसमें पानी ऐड करेंगे। ये पेस्ट बनाकर हम तैयार रखेंगे। समोसा बनाने के लिए अब जरूरत का सारा सामान हमने तैयार कर दिया है। अब हम समोसा फिलिंग करना शुरू कर देंगे। उसके लिए सबसे पहले समोसे की पट्टी ले। समोसे की पट्टी कैसे बनाना है इसके वीडियो का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। आप वो वीडियो देखकर समोसे की पट्टी बना सकते हैं। अब ये सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है जहाँ हम समोसा बनाने के लिए पट्टी को फोल्ड करते हैं। इस पार्ट को आप गौर से देखें कि समोसे की पट्टी को कैसे फोल्ड करना है ताकि इसका कोई भी कॉर्नर खुला ना रहे। मैंने 2 तरीके से फोल्डिंग बताई है। पहली फोल्डिंग कुछ इस तरह करें। हमने जो कीमे का मसाला बनाया है वो अब हम इसमें भर देंगे और पट्टी को कुछ इस तरह फोल्ड करेंगे। चिपकाने के लिए हमने जो मैदे का पेस्ट बनाया है उसको यूज करेंगे। अगर इस फोल्डिंग में आपको कोई मुश्किल आ रही है तो आप फोल्डिंग इस तरह भी कर सकते हैं। ये बिल्कुल आसान है। अगर समोसे का कोई भी कॉर्नर खुला रह जाता है तो इसमें मैदे का पेस्ट लगाकर बंद कर देंगे। इस तरह हम बाकी की पट्टी में भी फिलिंग डालकर समोसा फ्राई करने के लिए रेडी कर देंगे। अब हमारे समोसे फ्राई होने के लिए तैयार है। समोसा फ्राई करने के लिए एक कढ़ाई में तेल गरम कर ले और एक एक करके समोसा इसमें छोड़ दे। गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करते रहे ताकि समोसा खाने में क्रिस्पी लगे। समोसे तैयार हो चुके हैं।
टमाटो सॉस और पुदीने की चटनी के साथ इसका मजा लें। एक बार फिर से इंग्रेडिएंट्स चेक करते हैं। करती हूँ आपको मटन कीमे के समोसे की रेसिपी पसंद आई होगी। अगर आपको कुछ भी डाउट है तो मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं।